आपके लड़के 21 साल मीर आबेद अली, 20 साल की एज थी, जो एकलौता बेटा था, एकलौता एक बेटा है बिचारों को, और इन्हों खुद हैंडीकैप है, पैरों से भी माजूर है, पांच बेटियां एक बेटा था। इलेक्ट्रिकल के काम से राजमंत्री गया हुआ था वो बच्चा, शॉर्ट लग के इंतकाल हो गया। अभी कुछ तफसील नहीं मालूम कैसा इंतकाल हुआ बच्चा, यानी वहाँ पर कैसा हुआ ये नहीं मालूम। मौत अभी कुछ ही देर में आ रही है, इंशाल्लाह तफ्तीश के बाद में जो भी हो सकती इसकी कार्रवाई करेंगे। और क्योंकि वाकया आंध्र प्रदेश में हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश से भी और गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से भी हमारा मुतालबा है कि क्योंकि ये बेचारे खुद माजूर है, और इनकी अहलिया का इंतकाल भी एक महीना हुआ, अभी चहलुम की तैयारी कर रहे थे बाप बेटे दोनों मिल के, तो बहरहाल अल्लाह ताला इनको सब्र जमील अता करे। आप बोलिए, आप बोलते कल का ये मेरे बेटे को जाके 6-7 दिन हुए, मेरे बेटे को जाके 7 दिन हुए, मैं जाके काम पर से जल्दी जाके आ सकता हूँ बोल के बोला, गुत्तेदार लेके गया था, 2 गुत्तेदार लेके गए बच्चे को हमारे, मेरे से कुछ इख्तिलात नहीं करे हमारे को, बाहर का बाहर लेके चले गए, और आज आने वाले थे उन्होंने, कल ही उनका इंतकाल हो गया। मेरा एक ही बेटा है, वो भी इकलौता है, मेरे को 5 बेटियाँ एक बेटा है, हमारा कोई दूसरा कोई सहारा नहीं है। आपकी वाइफ का भी इंतकाल हुआ? वाइफ का इंतकाल एक महीना पहले हुआ, और एक बेटी का भी डाइवोर्स हो गया। हाँ, एक बेटी का भी डाइवोर्स हुआ, अभी जुम्मे के दिन चहलुम करने का था, चहलुम रुक गया समझो, अब ये बच्चे का पहले देखने का है हमारे को। नहीं, इंशाल्लाह हम सब आपके साथ है, आप सब्र रखिए इंशाल्लाह। आप कुछ बोलना चाहिए तो बहरहाल मैं फिर से दोबारा तेलंगाना सरकार से और आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट से मुतालबा कर रहा हूँ, क्योंकि ये खुद हैंडीकैप है, आप देख सकते कि दोनों पैरों से माजूर है बेचारे, एक ही बेटा था इनको, वो बेटे के ऊपर ही 5 बहना हैं। तो जो भी साहेब खैर भी अगर कोई मदद करना चाह रहे हैं, आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, आपका कोई नंबर वगैरह है तो बोले तो लोग कॉन्टैक्ट करते आपसे? नहीं, आधार कार्ड बोलो। अच्छा, आपका नंबर बोल दो इमाद भाई से। इनका नंबर बोलता हूं। आप इधर आओ बाजू का, किसका? इनका नंबर बोल रहे हैं आप? बोलो बोलो। 9247100894 9247100894 इनका नंबर है। जो भी साहिब खैर अगर कुछ इनको मदद करना चाह रहे हैं तो यहाँ याखुदपुरा ये तेजाब होटल के आगे जो गली है, दारब जंग गली में अंदर आके इनका तीसरा मकान है, इनका अंदर मकान है, आप लोग आके मिल सकते हैं। शुक्रिया।